हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुजराती चेस चैनल में, गुजराती चेस जोन। माय नेम इज धर्मेंद्र मोजिद्रा और मैं हूं इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर। आज मैं आपको बैंको गैम्बिट ओपनिंग के बारे में सिखाने वाला हूं। बैंको गैम्बिट, लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोगों ने कोले सिस्टम वर्सेस किंग्स इंडियन, कोले वर्सेस डच स्टोन वॉल और ये सब बहुत सारे टॉपिक पे बात की थी। आज मैं एक स्पेशल ओपनिंग जो है बैंको गैम्बिट, आपको ब्लैक स्पीसीज से गैम्बिट लाइन, एक बहुत ही बढ़िया लाइन है डी फोर के सामने बैंको गैम्बिट। बैंको गैम्बिट में दो टाइप के वेरिएशन है, बैंको डिक्लाइन और बैंको एक्सेप्टेड। जब आप गैम्बिट खेलते हो तो सामने वाला अगर पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे बैंको डिक्लाइन कहते हैं। कोई भी ओपनिंग डिक्लाइन में आ जाती है और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेड हो जाती है। तो दोनों तरीके की मैं लाइन आपको समझाऊंगा, खास ध्यान से देखिए। और दोस्तों, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जल्द ही से कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और हर एक ओपनिंग के बारे में डीप में आपको वन बाय वन सारे वीडियोज मैं अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैंको गैम्बिट। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंको गैम्बिट में हम डिक्लाइन का वेरिएशन देखेंगे। व्हाइट जब डी फोर खेलता है तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हम निम्जो इंडियन खेले, किंग्स इंडियन खेले और ऐसे सेमी स्लेव ओपनिंग खेले या स्लेव ओपनिंग खेले और बैंको भी, बैंको फिर बिनोनी, ये सारे ओपनिंग्स होती है। आज डिस्कस करेंगे बैंकों के बारे में। डी फोर के सामने NF6, फर्स्ट मूव NF6। अब दोस्तों, NF6 में वाइट C4 करता है मोस्टली। C4 जब करता है तो बैंको गैम्बिट खेल सकते हैं, वरना नाइट F3 यानी वाइट अगर कोले सिस्टम खेलना चाहता है तो यहाँ पे कोले सिस्टम के बारे में अलग मूव है। यहाँ पे C4 के बारे में है, बैंको गैम्बिट C4 अगेंस्ट खेला जाता है, D4 एंड देन C4, ये स्ट्रक्चर। नाइट F6 आपका पहला मूव सिंपल है, नाइट F6। C5 आपको करना है, C4 अगेंस्ट C5, यहाँ पे शुरू होती है गैम्बिट लाइन। अब यहाँ पे वाइट अगर चाहे तो डिक्लाइन कर सकता है, तो डिक्लाइन करने के लिए वो D5 करेगा और हम जब B5 करेंगे तो उसे कैप्चर नहीं करेगा, और कैप्चर नहीं करेगा तो उसने डिक्लाइन कर दिया है। अगर कैप्चर किया है तो हम बैंक को एक्सेप्टेड के बारे में डीप में इसके बाद में बताता हूँ। तो पहले हम देखते हैं डिक्लाइन लाइन। डिक्लाइन में वाइट नाइट F3 करता है और ये पॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। नाइट F3 के बाद आपको यहाँ पे खेलना है B4। B4 में दोस्तों एक दूसरी भी डिक्लाइन लाइन है, नाइट F3 के बजाय नाइट D2। तो नाइट D2 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम देखते हैं नाइट F3। नाइट F3 में आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना है B4 एडवांस पॉन, और यहाँ दो सिचुएशन है दोस्तों, दोनों डिक्लाइन में अलग अलग मूव है, याद रखो। जब वाइट नाइट F3 करता है तो पॉन एडवांस करना है, और अगर वाइट नाइट F3 के बजाय नाइट D2 करता है तो यहाँ आपको पॉन कैप्चर करना है। तो ये दोनों में एक ही मूव चेंज है। तो नाइट F3 में आपको करना क्या है, एडवांस, याद रखो। बैंको खेलते हो तो नाइट F3 डिक्लाइन में आपको B4 करना है। अब B4 के बाद यहाँ पे वाइट A3 करेगा आपकी पॉन चेन ब्रेक करने के लिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपको खेलना है G6। ये बहुत ही परफेक्ट मूव है, आफ्टर G6 वाइट पॉन कैप्चर करेगा, यहाँ आपको C×B4 करना है, Bishop E3, ये वाइट की पैटर्न मूव है ताकि वो उसका आइडिया है Pawn to C5। Bishop E3 में यहाँ आपको Queen C7 करना है, Bishop D4, अब आपके नाइट को सेंट्रलाइज में पिनिंग करना चाहता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि C5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट टेक्स पॉन की थ्रेट है। तो उसके लिए वाइट ट्राई करेगा Bishop D4 और उसके बाद वो C5 कर सकते हैं, नाइट टेक्स पॉन हम नहीं कर सकते। यहाँ आपको खेलना है Bishop G7। अब वाइट सेंटर मजबूत करने के लिए E4 करेगा, आप देख सकते हो कि आप कैप्चर नहीं कर सकते हो,
और यहाँ पे E4 के सामने आपको कैसलिंग करना है। कैसलिंग के बाद वाइट का बिशप डेवलप हुआ, बिशप D3 पे, ये नॉर्मल सिंपल लाइन है। BD3 में आपको यहाँ पे D6 करना है, लाइट स्क्वायर बिशप को ओपन कर दो और यहाँ पे दोनों स्क्वायर में कंट्रोल हो जाएगा, कोई भी पॉन आगे बढ़ने में उसका पॉन ब्रेक हो जाएगा। तो D6 के बाद वाइट ब्रेक करना चाहता है E5 से, तो यहाँ आपको कैप्चर नहीं करना है, खास ध्यान रखो। यहाँ आपको नाइट जी फोर E takes D6 और यहाँ पे आपको E takes D6 करना है और फिर से C4 पॉन को आप होल्ड करके बैठे हो, कंट्रोल करके बैठे हो। और इस पोजीशन में दोस्तों 12th मूव हो गए हैं ब्लैक के, और इस पोजीशन से आप ब्लैक से काफी अच्छा खेल सकते हो। भले ही बिशप एक्सचेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप टेक्स और किंग टेक्स आगे आगे वेरिएशन आपको मिलते रहेंगे और उसका भी स्ट्रॉन्ग बिशप आपको मिल जाएगा। और वैसे भी ब्लैक ने कैसल कर दिया है, व्हाइट ने कैसलिंग नहीं किया है, ये भी आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज है। तो चलिए डिक्लाइन में Nd2 वेरिएशन भी मैं बता देता हूँ। वो Nd2 में आपको क्या करना है, जब व्हाइट D4 खेलता है, ध्यान रखो बैंको खेलने के लिए पहले मूव Nf6, आफ्टर C4 यहाँ आपको C5, C4 के सामने सेम मूव है C5, यहाँ पे व्हाइट D5 करेगा, D5 के बाद आप B5 करोगे और यहाँ Nf3 के बजाय अगर Nd2 करता है, मैंने पहले ही बताया कि Nd2 में आपको पॉन टेक्स करना है, Nd2 में B cross C4 आपको उसे मार देना है। आफ्टर E4 व्हाइट अपना सेंट्रलाइज पॉन ये E5 पॉन को प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे आपको D6 कर देना है, अपने C5 पॉन को प्रोटेक्ट कर दो। बिशप टेक C4 ये नेचुरल मूव है, कोई भी प्लेयर खेलेगा क्योंकि उसने पॉन दिया है वो वापस लेगा और उसका Bb5 वाला जो चेक है वो ओपन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता चेक से। आपको G6 सिंपल करना है, दोनों ही डिक्लाइन लाइन में आपका बिशप G7 से ही डेवलप होगा, ध्यान रखो। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा B3, वो अपना बिशप यहाँ से निकाल सकता है, B3 के सामने बिशप G7, बिशप B2 और आपको कर देना है सिंपल शॉर्ट कैसल, ये डिक्लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ng f3, Nf3 खेलेगा डेवलप के लिए, Nbd7 आप अपना नाइट सेंट्रलाइज के लिए डेवलप करने के लिए Nbd7, उसके बाद Nb6 भी आ सकता है। तो व्हाइट यहाँ पे करेगा शॉर्ट कैसल, आफ्टर शॉर्ट कैसल Nb6 व्हाइट का जो स्ट्रॉन्ग बिशप है उसके ऊपर हमने थ्रेट दी है, मारना नहीं मारना अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, ये बिशप कितना काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। Nb6 के बाद रुक ई वन के बाद Nf d7, नाइट का मैनोरिंग करो। अब देखो बिशप से बिशप कैप्चरिंग हो रहा है, तो बिशप G7 और King g7, और यहाँ भी ब्लैक के लिए काफी अच्छी पोजीशन है, पूरा सेंटर आपके कंट्रोल में है। Nd takes C4 हो सकता है, नेक्स्ट मूव में नाइट सेंट्रलाइज करोगे, बिशप G4 करोगे और बहुत सारा कुछ मूव्स है आपके पास, तो ये डिक्लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों एक्सेप्टेड बैंको गैम्बिट, एक्सेप्टेड मतलब सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो आपको कैसे अटैक करना है। एक्सेप्टेड के बारे में बहुत सारे मूव्स है, बहुत सारे वेरिएशन है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पे D4 Nf6 देन C4 C5, अब इतने मूव तो आपको तुरंत याद रह जाएंगे क्योंकि मैंने 3 बार मूव कर चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में, और ऐसे ही आप 4-5 बार घर पे भी खेल लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। C5 के बाद व्हाइट खेलता है D5 और यहाँ आप B5 करोगे और यहाँ एक्सेप्टेड में पॉन टेक्स बी फाइव में आपको यहाँ एक और पॉन सेक्रीफाइस करना है A6। A6 में व्हाइट खेलेगा F3, F3 में आपको खेलना है G6। ये ध्यान रखो बैंको गैम्बिट में हर एक वेरिएशन में G6 BG7 आता ही है, F3 मोस्ट पीपल खेलते हैं क्योंकि सेंटर कंट्रोल उसको जरूरी है E4 और ये पॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो G6 के बाद यहां क्या होगा, व्हाइट खेलेगा E4, यहां आपको D6, खास ध्यान रखो ये सारे पॉन को स्टॉप करना जरूरी है दोस्तों बैंकों में। D6 खास अगर आप मिस कर दिए तो आपकी गेम काफी दब सकती है, मतलब
पूरी प्रेशर में आ सकती है, आप अटैक के बजाय डिफेंस में चले जा सकते हैं। इसलिए D6 मूव बहुत ही परफेक्ट टाइम पे होना जरूरी है, खास ध्यान रखो। D6 के बाद व्हाइट खेलता है Ne3, Ne3 में Bg7, Ne2, यहां पे आपको करना है कैसलिंग, Nc3 और यहां पॉन ब्रेक लेना है e6 से, बिशप टेक्स तो बिशप c4 वो पॉन को सपोर्ट करेगा और कैसलिंग के लिए जगह बनाएगा। अब आपको पॉन मारना है a×b5। आफ्टर Nae5 यहां पे Nd5, नाइट सैक्रिफाइस, आफ्टर Nxd5, Etxd5, Bxd5, रुक पे अटैक, रुक a6 और ये पोजीशन काफी स्ट्रांग है। आगे आपको सैक्रिफाइस का फायदा भी होगा और आपके बिशप दोनों, नाइट दोनों, रुक, क्वीन सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में है, कैसलिंग हो चुका है, बिल्कुल सेफ गेम है दोस्तों। अगर पॉन टेक्स मारता है, आपका पीस सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर सिंपल Re8 क्वीन H4 चेक बहुत बहुत धमाल हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि उसने पॉन से पीस क्यों नहीं मारा, आप पूछ सकते हो कि सर इसमें पॉन टेक्स पीस हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ही अटैक आ रहा है ब्लैक की ओर से, जो व्हाइट बचना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थी बैंको गैम्बिट एक्सेप्टेड की लाइन। एक्सेप्टेड में एक और लाइन है फिफ्थ मूव में e3। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं d4, Nf6, c4, c5, d5 और b5, पॉन टेक्स पॉन। यहाँ पे आपको a6, खास ध्यान रखो a6 बिशप को डेवलप करने के लिए है। फिफ्थ मूव में f3 के बजाय अगर व्हाइट e3 खेलता है, बिशप को ओपन करके अपने पॉन को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे भी आपको g6 करना है, पॉन मारना नहीं है। आफ्टर Nc3 यहाँ पे सिंपल बिशप g7, a4, व्हाइट ट्राई करेगा अपने पॉन को सेव करने के लिए, यहाँ आपको कैसलिंग करना है। कैसलिंग के बाद बिशप c4 और सपोर्ट आ गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, Ne8, व्हाइट खेलेगा Nf3, उसके बाद Nd6, Ne8 इसलिए कि मैनोवरिंग करना था नाइट का। अब बिशप e2 यहां पे आपको पॉन मारना है a×b5, Nxb5, आफ्टर Nxb5 बिशप टेक्स b5, क्योंकि a×b5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको बिशप a6 करना है। आफ्टर बिशप a6 व्हाइट खेलेगा बिशप e2, बिशप e2 के सामने क्वीन a5 चेक। तो ये पोजीशन है दोस्तों, और बैंको गैम्बिट में और भी वेरिएशंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टैक्टिक्स भी सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो मिस मत करना। और जिस लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद, जय गुजरात।